मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक नाउ नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट टाइप इज टाइप टू वेन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर मोर देन ट्वेंटी देन फर्स्ट स्टेप टू फाइंड इज एक्स बार एंड वाई बार एंड इफ दे आर कमिंग एग्जैक्ट क्या आ रहे हैं वो अभी एग्जैक्ट आ रहे हैं वैल्यूज जो है उनकी वो एग्जैक्ट आएगी देखें कैसे अभी देख लेते हैं इलस्ट्रेशन सिक्स इन ऑर्डर टू स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इन टर्म्स ऑफ मार्क्स ऑफ गुजराती एंड स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट को रिलेशन को बिटवीन दैम स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस दिया हुआ है एक ही स्टूडेंट का परफॉर्मेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू कैन से परफॉर्मेंस इट इज गिविन उनके मार्क्स दिए गए हैं मार्क्स किसके गुजराती के एंड स्टैटिस्टिक्स के सो so, देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है मार्क्स इन गुजराती मार्क्स इन सिक्सटी फाइव इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो यू कैन राइट ओवर हेयर दैट इज सिक्स सो एन इक्वल्स टू वॉट सिक्स ओके ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप क्या करना है यहाँ पे सपोज कर देना है नाम दे देने हैं आपको सो फर्स्ट इज एक्स सेकेंड वन इज वाई ऑलवेज सपोज मार्क्स इन गुजराती इज एक्स मार्क्स इन स्टेटिक्स इज वाई नाउ यू कैन स्टार्ट द सम ना यू आर सपोज टू राइट एक्स एंड वाई ओके सो वैल्यूज़ कॉपी कर दो वैल्यूज़ देखें तो क्या है सब ट्वेंटी से ज़्यादा है ट्वेंटी से ज़्यादा है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा टू फाइंड द सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सो डैट हम लोग फाइंड कर सकें एक्स बार और वाई बार सिग्मा एक्स हमने प्लस कर दिया कितना मिला फोर वन फोर क्या कर देंगे सिक्स कितना आया सिक्सटी नाइन एग्जैक्ट आया एक तो लेकिन दूसरा भी चेक करना होगा दूसरा पॉइंट में नहीं आना चाहिए दोनों एग्जैक्ट होंगे तो ही ये फार्मूला लगेगा तो दूसरा देखा सिग्मा वाई टोटल किया कितना आया फाइव फोर्टी डिवाइडेड बाय सिक्स डेट इज़ कमिंग नाइन्टी दोनों एग्जैक्ट आए पॉइंट्स नहीं हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा कौन सा फॉर्मूला एन नहीं वाला उसके लिए क्या चाहिए हमको एक्स माइनस एक्स बार दूसरा चाहिए वाई माइनस वाई बार ये दोनों मिल गए फिर दोनों का इंटू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इजी एक्स माइनस एक्स बार एक्स ये सिक्सटी फाइव और एक्स बार क्या है हमारे इधर सिक्सटी नाइन तो कैसे करेंगे यहाँ पे यहाँ पे ऐसा लिखेंगे एक्स माइनस सिक्सटी नाइन डेट मीन्स ये सब सीरीज में से सिक्सटी नाइन वैल्यू माइनस होगी और यहाँ पे वाई माइनस यू कैन से नाइन्टी सब में से क्या करना होगा नाइन्टी को माइनस करना होगा देखें कैसे सिक्सटी फाइव माइनस सिक्सटी नाइन देन सेवेंटी टू माइनस सिक्सटी नाइन अभी यहाँ पर एक ट्रिक ईजी मैथड यू कैन से कैसे करना है यू हैव टू डू माइनस ऑनली वन टाइम जैसे ये था इधर सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव माइनस नाइनटी यू कैन सी फाइव माइनसटी नाइन सो कितना आया माइनस फोर एक बार माइनस क्या ना हो यू कैन डू सेवेंटी टू इक्वल्स टू थ्री आ जाएगा सीधा देन इट इज सिक्सटी सिक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री सेवेंटी इक्वल्स टू वन ईजी देखो ये ओके ना देट मीन्स बार बार आपको माइनस नहीं करना है सिक्सटी फाइव माइनस सिक्सटी नाइन देन अगेन जीरो करके सेवेंटी टू माइनस सिक्सटी नाइन नॉट रिक्वायर्ड कैसे सिखाया सिक्सटी फाइव माइनस वन टाइम सिक्सटी नाइन ओके देन सेवेंटी टू ओनली इक्वल्स टू देन सिक्सटी सिक्स इक्वल्स टू चेक भी करना हो तो आपको चेकिंग मेथड भी ऐसे ईजी हो जाएगा ओके देन नेक्स्ट वन सेवेंटी इक्वल्स टू वन है सेवेंटी टू एक टू थ्री एंड लास्ट सिक्सटी नाइन एक टू जीरो दैट मीन माइनस एक ही बार करना है इजी ट्रिक ओके देन इसको प्लस कर देना है और हमने यहाँ पे सिक्सटी नाइन का सिक्सटी नाइन लिया था ये हमेशा जीरो आएगा ऑलवेज एक्स माइनस एक्स बार क्योंकि सिक्सटी नाइन था सिक्सटी नाइन ही हमने लेके सॉल्व किया तो ये भी जीरो आएगा और ये भी दोनों जीरो आएंगे क्योंकि यहाँ पे नाइनटी लिया यहाँ पे सिक्सटी नाइन लिया ओके okay? दूसरा वाला अभी देख लें इजी ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे 90 में से माइनस करना है सो फर्स्ट विल डू वॉट 90 माइनस नाइन्टी कितना आया ज़ीरो देन हम क्या करेंगे 95 फाइव इक्वल्स टू कितना आया फाइव देखो है ना देन 88 एट इक्वल्स टू माइनस टू नाइन्टी टू इक्वल्स टू टू एटी फाइव इक्वल्स टू माइनस फाइव नाइन्टी इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस एक ही बार करना इजी ट्रिक है टाइम बचेगा इसमें आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट सम इजीली फास्ट स्पीड में होने के चांसेस हैं नेक्स्ट कंडीशन ये जीरो आना चाहिए इसको प्लस करते नहीं आ रहा है डेट मीन्स आप लोगों ने यहाँ पे इस स्टेप में कोई मिस्टेक किया है जब भी एग्जैक्ट आता है ये दोनों कॉलम यहाँ पे जीरो होने चाहिए कंपल्सरी ओके okay? देन क्या करना है ये दोनों वैल्यूज मिल गए इन दोनों को इंटू करना है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इंटू किया फिर इसका स्क्वायर अलग से एक कॉलम और फिर वाई का स्क्वायर का कॉलम फिर प्लस कर देंगे फिर तो ईजी है बहुत ठीक है एक्स माइनस एक्स बार फिर इनको प्लस कर दिया ये भी वैल्यूज यहाँ पर लिखना जरूरी है कि ये कौन सी वैल्यू है ठीक है ऊपर सीखमाए वाई माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार एक्स माइनस एक्स माइनस द होल स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर सब लिखना जरूरी है उसके बाद यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला नाउ फार्मूला वॉज लाइक दिस वे आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दो रूट एक एक्स का रूट दूसरा वाई का रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर ठीक है वैल्यूज मिल जाएगी इजीली तीन वैल्यूज ही लेनी है देखा जाए तो जो लास्ट वाली वैल्यूज थी ठीक है लिखोगे ऐसे ही तो ईजी हो जाएगा एट ऊपर आ जाएगा फिर इसका रूट फोर्टी का और फिर फिफ्टी का रूट ठीक है अगर ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई फोर्टी एट फिफ्टी एट इन दोनों रूट वाले अंदर वाले नंबर्स को इंटू कर दो तो टू फाइव फाइव टू रूट में अभी रूट निकाल दो फिफ्टी पॉइंट फाइव वन सेवेंटी थ्री अपॉन डिवाइड कर दो जीरो पॉइंट सिक्सटीन ओके सम खत्म अभी हुआ नहीं है आर की वैल्यू वी आर सींगट इट इज क्लोजर टू जीरो दस देयर इज अ लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव को रिलेशन साइन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया तो रिलेशन कैसा है पॉजिटिव है लेकिन ज़ीरो के साइड है तो लो डिग्री है हाई डिग्री नहीं है